गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9:30 बज रहे हैं। के सारे काम मैंने कर लिया है, काम हो गया। बस यहाँ देखिए तो रेडी हो रही हूँ और जा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं और निखिल जा रहे हैं दोनों। इन लोगों की अब छुट्टियाँ पड़ी हैं, स्कूल बंद है ना, तो जो हमारे बच्चे पेंडिंग जो काम है ना वो बस छुट्टियों में ही होते हैं। तो बस मैं कहूँ कि चलो, तो हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो क्या है कि आई चेक करवानी है मुझे भी, निखिल को भी। कितने दिनों से सोच रही थी, लेकिन बच्चों का स्कूल था, हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिल रहा था, और अकेले जाने का होता है ना वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग आई चेक करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है ना कि आँखों में ना वो डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं ना, तो कुछ देरी तक ना आधे घंटे एक घंटे तक तो क्लियर दिखता ही नहीं है, मतलब एकदम धुंधला धुंधला सा दिखता है। तो इसीलिए मैं अकेले गई नहीं कि वहाँ बैठना होगा फिर ना, तो फिर आज निखिल को लिवा के जा रही हूँ। निखिल को भी आई चेक करवानी है, मुझे भी। और फ्रेंड घर के सारे काम हम हो गए हैं और बस बाल बांध रही हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ फिर जाती हूँ। और क्या है ना कि ये जो बाल है ना, मैं ऐसे ही आगे क्या है ना, बेबी हेयर ना छोटे छोटे निकलते हैं रहते हैं हमेशा, तो वो ना ऐसे सिंपल सा बांधो ना, तो वो फिर ना बाल इधर उधर से ना निकलते रहते हैं। तो इस तरह से मुझे ना अच्छा लगता है, एक तो अच्छी सी हेयर स्टाइल भी हो जाती है, और दूसरे क्या होता है ना कि बाल एकदम से ना मैनेजेबल से रहते हैं, मतलब एकदम सेट रहते हैं, अच्छा लगता है देखने में भी। तो इस तरह से ज़्यादा करके ना दो चुटिया करके ऐसे बांध लेती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के हेयर स्टाइल। और साथ में जो ना बाल एकदम अच्छे से पड़े रहते हैं, मतलब ये ना घंटों शाम तक क्या रात तक है ना, मतलब अच्छे लगते हैं, जितने भी बिखरते हैं ना तो उतने अच्छे लगते हैं देखने में, मतलब खराब नहीं लगते हैं। तो बस मैं छुटियाँ कर ली हूँ, बस नीचे भी चोटी कर लेती हूँ, थोड़ा सा हो जाती हूँ रेडी। चलो रबड़ कहाँ है, रबड़ देना, रबड़ दे दो। एक तो ये रबड़ ना मैं रात में बांधती देखो इसके कोने में हमेशा का रहता है मेरा ना, रबड़ और एक पिन, दो चीज ना मेरे से बहुत खोती है, इधर उधर इधर उधर पता नहीं कहाँ रख देती हूँ, फिर शायद बाथरूम में होगा, देखती हूँ। बाथरूम में भी नहीं दिख रहा, मैं यहीं पे तो निकाली हूँ, अभी बाल खोले हैं तो कहाँ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पीसी को सामने ही पड़ा है, खोज रही हूँ। क्या देख क्या रहा है, सर्टिफिकेट किसका, तेरे है। मेरा सर्टिफिकेट क्यों देख रहा है, ये कहता है माई बहुत एजुकेटेड है। नेल पेंट भी फ्रेंड्स ये देखिए एकदम खराब हो गई है, छूट रही थी, मैं सोच रही हूँ ना जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, अच्छे नहीं लगता ना कहीं जाओ तो फिर मतलब कपड़े अच्छे से पहन लिया। और फ्रेंड्स मैंने ये वाला अपना सूट पहना, बहुत प्यारा लगता है ये वाला मेरा सूट, ये देखिए ऐसा। ये वाला बहुत प्यारा लगता है, वो जो दूसरा है ना ये किसी के साथ जो सिलवाया था वो भी बहुत ही सुंदर लगता है, पहनने में तो अच्छा लगता है, बट उसकी पैंट ना थोड़ा सा टाइट हो गई है, तो मतलब चलने फिरने के लिए तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर बैठना हो ना तो नहीं हो पाता है। इस तरह की जो खुली होती है ना प्लाजो टाइप में, तो ये अच्छा लगता है। तो मैंने अम्ब्रेला टाइप में मैं सिलवाया था सलवार, इसकी बहुत प्यारी लगती है, पिंक वाली जो है ना बड़ी प्यारी लग रही है, तो मेरा मन कर रहा है यही वाली लगाने के लिए, नेल पेंट तेई वाली लगाने जा रही हूँ। थोड़ी सी सूख जाएगी ना तो एक एक कोट मैं और कर दूंगी इस पे। तो गाइस ये देखिए लगा लिया मैंने, बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा सा कलर है, एकदम ज्यादा डार्क नहीं है ना लाइट है, मतलब अच्छा सा पिंक है, पिंक कलर है। सो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, निखिल भी रेडी है, बस चलिए निकलते हैं। और सुना घर पे रहेगी क्योंकि घर पे कोई नहीं है ना, तो सुना अब ऐसे वो जाके क्या करेगी, क्योंकि जाना तो हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफी हो सकता है टाइम लग जाए, तो बस मैं और निखिल जा रहे हैं, तो बस चलिए। रिक्शे पे बैठने का अलग ही मजा आता है ना।
कहीं मेरे आंखों का पानी तो नहीं सूख जाएगा? आंखों का पानी बोले, आंखें ड्राई हो गई है ना, तो कहीं और ज्यादा सूख जाएगी तो फिर रोऊंगी तो फिर आंसू नहीं निकलेंगे, इसीलिए खुजली होती है आंखों में मेरे। हे भगवान, बताओ कितनी सी एज में क्या क्या हो रहा है। नहीं लेकिन जरूरी है ना, अच्छा हुआ ना मैंने आज चेक तो करवाया। कब सालों कराया, रूटीन चेकअप कराना होता है 2-3 महीने में। ठीक है, बाथरूम पानी भरना पड़ेगा। अरे जब नंबर चेंज हुआ है ना तो अभी इधर को नए ग्लासेस भी बनाने पड़ेंगे। और वो बोल रहे लेकिन मेरा नंबर ना कम हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब वो जो मैंने चश्मा लगाया स्टेल और ड्रॉप्स देंगे, वो बोल रहे हैं कि वो नंबर मेरा कम हुआ है थोड़ा सा, चश्मा भी बनवाना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा ना। फ्रेम क्या, पूरा चश्मा इंक्लूडिंग लेंस? पूछते हैं देखो पापा क्या बोलते हैं, बाकी लेंस तो चेंज करवाना ही पड़ेगा। अरे वो हो जाएगा, वो वहाँ से लेंस कार्ड से करवाएंगे ना। अगर रिपोर्ट तो यहाँ से चाहिए ना। कब तक आंखें बंद करके रखूँ? जब तक वो आ नहीं जाते। नहीं बाबा मुझे देखने का मन कर रहा है। बंद कर ले और लेट जा पीछे कुछ तक करके। मैं क्या करूँ? लेट मतलब ऐसे कर ले सर। अबे इन तो अनार हो जाएगी वो। हाँ अभी एकदम अंधेरा हो जाएगा तो बाबा मुझे पकड़ के ले चलना। अंधेरा नहीं होगा, धुंधला दिखेगा। हाँ मेरे बुढ़ापे का डर आ रहा है क्योंकि एकदम दिखता नहीं है, आधे घंटे तक बिल्कुल दिखेगा नहीं, पकड़ पकड़ के। आधा एक नहीं 2-2.5 घंटे तक नहीं दिखेगा। हाँ सही है। चलो अरे इतना भी नहीं कि बिल्कुल। हाँ बिल्कुल अंधी हो जाएगी। डंडा ले लिया, लाठी बन जा तुम हो ना, तो बोलो मेरी लाठी हो। मैं तो वैसे ही पतला सा डंडा जैसा। पतली सी तो लाठी होती, मोटी थोड़ी ना होती। काय टिश्यू फाड़ दे लो। ड्रॉप डाल ना। हां तो फाड़ के पानी निकल रहा है दोनों आंखों में पोंछने के लिए। आंख खोल, आंख खोल, खोल हर बार कितने बार मैंने इसे कर। मुंह क्यों नहीं खोली? पता नहीं घर पे डलवाओ तो इतनी हंसी आती है। तो घर पे एकदम रोक के मतलब टाइम लगा के डालते हैं ना, इन्होंने झट से आके खोल के डाल दिया। और यहाँ पे डॉक्टर का थोड़ी वो रहता है ना, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। घर पे तो आंखें बंद मत। पैसे का रखिए। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम होने वाली है, 4 बज गया है। और हॉस्पिटल से आते आते ना मेरी एकदम से इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई ना कि एकदम से कुछ मुझे ना दिख ही नहीं रहा था, और ऊपर से इतनी तेज धूप लग रही थी ना तो और ज्यादा एकदम से कुछ दिख नहीं रहा था। इतनी ज्यादा आंखें ना मेरी एकदम ऐसी हो रही थी बस आके ढक लूं मैं, ऐसा हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से जाके घर पे आई हूँ और निखिल ना पकड़ के लेकर आया है मुझे, एकदम से पकड़ पकड़ के, कि डर लग रहा था एकदम से ना, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था ऐसा। तो वहाँ पे ना दवा डालते हैं ना वो, तो कुछ टाइम तक ऐसे ही लगता है, मतलब 2-3 घंटे ना ऐसे ही लगता है। तो आई हूँ, आके लंच करी हूँ, जैसे तैसे बच्चों ने लंच निकाल के दिया है, लंच करी हूँ और बस मैं सो गई हूँ। और अभी जाके उठी हूँ, अभी भी ना मुझे जो है कि धुंधला धुंधला हल्का हल्का दिख रहा है। और वहाँ पे डॉक्टर ने अच्छे से बहुत अच्छे से चेकअप वगैरह किया है, दवाइयाँ उन्होंने ड्रॉप्स लिख के दिए हैं तो मंगाने हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, देखना पड़ेगा हमारी जो डिस्पेंसरी है ना वहाँ पे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हस्बैंड जो है ना कि वहाँ से ला देंगे, ऑफिस जाएंगे ना तो उधर से ला देंगे, वहाँ पे मिल जाती हैं तो वहाँ से ला देंगे। बात करते करते ना मेरा गला अजीब सा हो रहा है। और फ्रेंड डॉक्टर ने बोला है ना कि नंबर मेरा ना थोड़ा सा चेंज हो गया है आँखों का, और आंखें मेरी ना एकदम से ड्राई हो गई हैं। उन्होंने बोला है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? तो फिर मैंने बोला है मैम मुझे अर्थराइटिस है, पूछा है कि कब से है तो बताया अभी कुछ महीनों से है। तो कह रहे इसी की वजह से आपकी आंखें ना बिल्कुल ड्राई हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हैं।
तो इसी वजह से फिर उन्होंने ड्रॉप वगैरह दिया है, और कह रहे थे इसी वजह से ना आपकी आंखों में ड्राईनेस ज्यादा है ना, तो इसकी वजह से ना आंखों में इचिंग और दर्द हो रहा है, इसी वजह से इचिंग ज्यादा हो रही थी। मैंने बोला हाँ, तो जब भी इचिंग होती है मुझे दर्द होता है ना, तो हस्बैंड कहेंगे मोबाइल रख दो, कह रहा था ना कि मोबाइल रख दो, तुम ज्यादा मोबाइल देखती हो ना, तो शायद इस वजह से होता है। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ज्यादा मोबाइल देखना नहीं होता, मेरा वीडियो का काम रहता है, तो मैं जितना शूट करते बनता है वो जितना शूट करना होता है मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना मैं मोबाइल में देखती रहती हूँ। जब वीडियो एडिट करना होता है तभी मैं मोबाइल में देखती हूँ। अब ऐसे मतलब बैठ जाती हूँ, अगर कभी खाना वाना खाने बैठ गए या कभी फ्री टाइम में तभी देखती हूँ, लेकिन काम ही है मोबाइल का। तो मोबाइल तो देखिए आजकल दुनिया देख रही है, बच्चे अभी जो पैदा हो रहे हैं वो भी देखना स्टार्ट कर दे रहे हैं, बिना मोबाइल के रहते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं देखती हूँ, देखती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि मतलब इतना मतलब इसकी वजह से आंखों में हो रहा है मुझे। तो मुझे जो है ना कि वो बोल रहे थे डॉक्टर कि आपकी आंखें ना बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, इसकी वजह से इचिंग और दर्द हो रहा है। तो अभी तो लिख के दे दिया है ड्रॉप, और जो मेरा चश्मा है उसका भी नंबर थोड़ा चेंज हो गया है, तो उसको भी जो है कि मुझे अभी बनवाना। तो अभी जो है ना थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब सो गई थी ना उठी ना तो काफी अच्छा लग रहा है, आंखों को भी ना काफी रिलीफ सा लग रहा है। तो बस चलिए चलते हैं किचन में, देखती हूँ बर्तन वर्तन पड़े हैं कि नहीं लंच के, तो बस बर्तन धोती हूँ। तो अभी ना किचन में मन नहीं कर रहा है जाने के लिए, मन कर रहा है अभी उठी हूँ ना तो अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना हवा पानी ले लूँ, दरवाजा बाहर का खोलूँ और थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, थोड़ा हवा हवा ले लूँ, ऐसा मन कर रहा है अभी बर्तन धोने का। अभी किचन में मन नहीं कर रहा है जाने के लिए, बट जाना पड़ेगा, देखती हूँ किचन में बर्तन होगा ना फिर वो शाम को धुलना ही पड़ेगा, चाय का टाइम होगा। तो बस चलिए चलते हैं, अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद ना, ऐसा लग रहा है आप लोगों से ना बहुत दिनों के बाद मैं बात कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। इस समय मुझे ना काफी मतलब रिलीफ हो गया, थोड़ा आराम हो गया है, मौसम अच्छा है ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब उधर तो बहुत परेशान थी, बट अभी जो है ना कि अच्छा लग रहा है कुछ दिनों से, मतलब अच्छा है बस यही कह सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये देखिए गाइस, बर्तन पूरा बच्चों ने इधर उधर सब रख रखा है, और ये सुबह ना आलू वाले भैया आए थे गली में ही, तो ये 50 के 3 किलो दे रहे थे ना, तो आलू खत्म हो गया था तो मैंने ले लिया, मतलब अच्छा है आलू एकदम एक साइज का। अभी तो आलू अच्छे ही आ रहे हैं, नए आलू है ना, मतलब मीडियम है अभी, नए ना ज्यादा पुराने, तो आलू अच्छे सब्जी अच्छी बनती है। तो मैंने ना 50 के 3 किलो दे रहे थे ना, तो ये मैंने ले लिया था। और फ्रेंड्स बर्तन तो देखिए ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट फिर भी मैं ना क्लीन कर देती हूँ इनको। अच्छा, जब से मैं ये प्लेट लेकर आई हूँ ना, तो बच्चों की इतनी ज्यादा फेवरेट हो गई ना, इतना ज्यादा इनको पसंद आता है ना कि इसी में ये लोग खाना खाना पसंद करते हैं। तो आज लंच मैंने अपने लिए नहीं निकाला, बच्चों के लिए ना, तो ये लोग ना अपने लिए मेरे लिए ना इसी प्लेट में ही निकाले थे। और मेरा रहता है ना कि मुझे नाश्ता करने के लिए तो ठीक होता है सब्जी रोटी वगैरह कुछ खाना, लेकिन हाँ दाल चावल सब्जी रोटी कुछ सब है ना, मतलब लंच में डिनर में ना मुझे थाली में ही खाना पसंद है, लेकिन बच्चों को ना इसमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस बच्चों को अच्छा ही लगना चाहिए, इसमें अच्छे से खुशी खुशी खाना खाएं, इससे बढ़ के अच्छी वाली बात और कुछ भी नहीं हो सकती है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बर्तन है ये सारे धोऊंगी, थोड़ी सी किचन काउंटर टॉप है साफ करूंगी उसको भी, और जो है कि उसके बाद बनाऊंगी चाय और नाश्ता कुछ चाय के साथ खाने के लिए बनाऊंगी, और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।